हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर SST बुक्स सिक्स चैप्टर आर्किटेक्चर इन मेडिएवल पीरियड मध्यकालीन वास्तुकला. लेट्स सी द जैन टेम्पल्स एट माउंट आबू दिलवारा इन राजस्थान वर इरेक्टेड बाई द सोलंकी रूलर्स ऑफ गुजरात. जैन मंदिर एट माउंट आबू दिलवाड़ा. माउंट आबू के जो दिलवाड़ा मंदिर हैं, जिनको जो जैन मंदिर हैं, माउंट आबू के जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं राजस्थान में, वे इरेक्टेड मीन्स उनका निर्माण किया गया है बाय द सोलंकी रूलर, सोलंकी शासकों के द्वारा गुजरात. और जो सोलंकी शासक थे वे कहाँ के थे? गुजरात के थे. तो माउंट आबू के दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं राजस्थान में, उनका निर्माण गुजरात के सोलंकी शासकों के द्वारा करवाया गया है. फ्रॉम द 11th टू द 13th सेंचुरी, 11वीं से और 13वीं शताब्दी के बीच में माउंट आबू के जो दिलवाड़ा मंदिर हैं, जैन मंदिर, उनका निर्माण हुआ है. और ये गुजरात के सोलंकी शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है. द टेम्पल्स वर मेड ऑफ व्हाइट मार्बल्स, ये मंदिर सफ़ेद संगमरमर के बने हुए हैं. द नॉर्थ इंडियन किंग्स मोस्टली वर्शिप्ड विष्णु एंड शिव, जो उत्तरी भारत के राजा थे वे अधिकांश विष्णु और शिव की पूजा करते थे. दस दीज टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू आइदर विष्णु और शिव, इसलिए ये डेडिकेटेड में समर्पित हैं. ये मंदिर या तो विष्णु या फिर शिव को समर्पित हैं. साउथ इंडियन टेम्पल्स, दक्षिणी भारत के मंदिर. लेट सी द मेन डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया वर द पल्लव्स, पांड्याज एंड द चोल्स. जो मुख्य दक्षिणी भारत के मुख्य साम्राज्य हैं वे कौन कौन से हैं? पल्लव वंश, पांड्य और चोल. दे वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वे कला और वास्तुकला के मुख्य देशभक्त या मुख्य समर्थक माने जाते हैं. द लार्ज रॉक कट रथ टेम्पल्स एंड द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची स्टैंड एज ए ग्रेट स्पेसिमेन ऑफ आर्टिस्टिक जीनियस. द लार्ज रॉक कट रथ टेम्पल्स, बड़ी चट्टानों को काटकर बनाए हुए रथ आकार के जो मंदिर हैं. एंड द शो टेम्पल एट महाबलीपुरम, और महाबलीपुरम का मुख्य मंदिर. द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, कांची में कैलाशनाथ का मंदिर. स्टैंड एज ए ग्रेट स्पेसिमेन, ये एक महान नमूना है ऑफ आर्टिस्टिक जीनियस, कला की प्रतिभा का एक महान नमूना. ये जो सभी मंदिर हैं, महाबलीपुरम, कैलाशनाथ, कांची, ये कला के महान नमूने हैं. देवर बिल्ट बाई द पल्लव्स इन द 8th सेंचुरी AD, ये 8वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव शासकों के द्वारा बनाए हुए हैं. रॉक कट टेम्पल महाबलीपुरम, देखिए ये चट्टानों से काटकर बनाया हुआ मंदिर है महाबलीपुरम का. और ये है एहोल टेम्पल, एहोल के मंदिर हैं ये. लाइक द पल्लव, पल्लवों की तरह द चालुक्यज वर द वर आल्सो ग्रेट बिल्डर्स, पल्लवों की तरह चालुक्य शासक भी महान निर्माता थे. दे बिल्ट ए नंबर ऑफ टेम्पल्स इन एहोल इन द 7th सेंचुरी AD. पल्लवों की तरह चालुक्य भी महान निर्माता थे. उन्होंने भी एहोल में 7वीं शताब्दी ईस्वी में कई मंदिर बनवाए. द रोक कट रथ्स ऑफ द पल्लव्स स्टैंड एज ए ग्रेट स्पेसिमैन ऑफ आर्टिस्टिक जीनियस, चट्टान को काटकर बनाया हुआ रथ आकार का जो मंदिर है वह पल्लव शासन काल का एक महान कला का नमूना माना जाता है. इट इज बिलीव्ड दैट द केव्स ऑफ अजंता, और यह विश्वास किया जाता है कि केव्स मीन्स होती गुफा, अजंता की गुफा, कहाँ स्थित है अजंता की गुफा? महाराष्ट्र में. द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एलोरा, एलोरा के चट्टानों से बने हुए मंदिर. एंड एलिफेंटा, और एलिफेंटा के, एलोरा और एलिफेंटा ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं. हैव बिन बिल्ट बाई द चालुक्य, और ये चालुक्य शासकों के द्वारा बनाए हुए हैं. द चोल्स वर ग्रेट बिल्डर्स ऑफ टेम्पल्स, चोल्स वर ग्रेट बिल्डर्स, चोल महान निर्माता थे ऑफ टेम्पल्स मंदिरों के. देयर स्टाइल इज नोन एज द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, चोलों की जो मंदिर निर्माण की मुख्य शैली थी वो कौन सी थी? ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है.
चोल शासकों की जो मंदिर निर्माण की जो शैली थी वो थी द्रविड़ियन शैली। द ब्रिदेश्वर टेम्पल एट तंजोर वाज बिल्ट बाई द ग्रेट चोल रूलर राजराजा फर्स्ट, राजराजा प्रथम के द्वारा बनाया हुआ राज ब्रिदेश्वर मंदिर जो कहाँ स्थित है, तंजोर तमिलनाडु में है स्थित है, और ये कौन सी शैली में बना हुआ है, द्रविड़ियन शैली ने। कब बनाया हुआ था, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, और यह मंदिर शिव को समर्पित है और ये 1011 ईस्वी में बनाया गया था। इट इज नोन फॉर इट्स स्पेशियस कोर्टयार्ड, स्पेशियस यानी महत्वपूर्ण या विशेष, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन के लिए, और यह मंदिर इसके महत्वपूर्ण और विशेष आंगन के लिए, एंड मैसिव टावर, मैसिव मीन्स बड़ा या विशाल, टावर मीन्स गुंबद या मीनार के लिए जाना जाता है। द गेटवे ऑफ द टेम्पल, गेटवे मीन्स प्रवेश द्वार, ऑफ द टेम्पल मंदिर का, वॉज कॉल्ड गोपुरम, जो इस ये मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, इसका जो प्रवेश द्वार है वह गोपुरम के नाम से जाना जाता है। द रूम वर द आइडल और श्राइन इज हाउस्ड इज द गर्भगृह, और जिस कक्ष में मूर्तियाँ या जिस तीर्थ स्थान पर या उस पवित्र स्थान पर मूर्तियाँ रखी जाती थी, उस मूर्तियों वाले भाग को क्या कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है। प्रवेश द्वार को तो क्या कहा जाता है, गोपुरम, और जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाले फैक्ट्स हैं। द मंडप वाज जनरली सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन, मुख्य जो तीर्थ स्थान है, मुख्य जो स्थान है उसके सामने वाला भाग क्या कहलाता है, मंडप कहलाता है। ऑन द टॉप ऑफ द श्राइन, और उस तीर्थ स्थान के, श्राइन मीन्स होता है पवित्र स्थान या तीर्थ स्थान, उसके जो ऊपर टॉप है, ऊपर का जो भाग है, वॉज ए टॉल टावर, जो एक लंबी मीनार है या गुंबद है, कॉल्ड शिखर, उस ऊंचे या ऊपर के जो भाग है टावर का उसको कहा जाता है शिखर। द प्रिस्ट्स टॉट चिल्ड्रन इन टेम्पल कोर्टयार्ड्स, और जो पुजारी होते हैं वे बच्चों को मंदिर के आंगन में पढ़ाते हैं। दस टेम्पल्स ड्यूरिंग द चोल पीरियड वर द सेंटर ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ, इस प्रकार से चोल शासनकाल या चोल समय अवधि के दौरान बनाए हुए मंदिर सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के विशेष केंद्र हैं। द सल्तनत पीरियड, सल्तनत का युग। तुर्क्स एंड अफगान्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्टाइल एंड टेक्निक्स ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया, तुर्क साम्राज्य या तुर्क शासक और अफगान शासकों ने एक तुर्क और अफगान शासकों ने एक नई शैली और तकनीक का, वास्तुकला की एक नई शैली और तकनीक का भारत में विकास किया। दीज वैन मिक्स्ड विद द एग्जिस्टिंग इंडियन स्टाइल्स, और जो तुर्क और अफगान की शैली है जब ये भारतीय शैली से मिलती है तो गेव बर्थ टू ए डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग या स्पष्ट, एक अलग ही शैली को, वास्तुकला की एक अलग शैली को जन्म देती है। कब, जब ये तुर्क और अफगान की शैली भारतीय शैली से मिल जाती है तो एक अलग ही शैली को जन्म देती है। और कॉल्ड द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और जो भारतीय शैली तुर्क और अफगान शैली से मिलने पर जो शैली बनती है उस शैली को वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली के नाम से जाना जाता है। न्यूमेरियस पैलेसेज मोस्क्विज फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड इन दिस न्यू स्टाइल, अनेक पैलेसेज महल, मोस्क्विज मस्जिद, फोर्ट्स किले, अनेक महल मस्जिद और किले इस नई शैली में बनाए गए हैं। फीचर विशेषताएं, दीज आर्किटेक्चरल फोरम्स यूज्ड इन द बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड वर द तुर्कीज आर्क एंड द डोम, ये आर्किटेक्चरल मीन्स जो वास्तुकला के रूप, ये वास्तुकला के रूप जो प्रयोग किए गए हैं इन द बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड, इस युग के भवन में वर द तुर्कीज आर्क, इसमें तुर्क के मेहराब एंड डोम गुंबद शामिल है। तो इस युग में बनाए हुए भवनों के वास्तुकला के रूपों में तुर्की शैली के मेहराब और गुंबद शामिल हैं। दीज टू फोरम्स डिस्पेंस्ड विद द नीड टू कंस्ट्रक्ट पिलर्स टू सपोर्ट द रूफ, और इन रूपों में
जो छत को सहारा देने के लिए क्या बनाए जाते थे, पिलर, इट मीन्स स्तंभ बनाए जाते थे। द तुर्क्स एडेड कलर टू देयर बिल्डिंग्स बाय यूजिंग रेड सैंडस्टोन। जो तुर्क शासक होते थे वे रेड, लाल कलर के सैंडस्टोन, मीन्स बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर को जोड़ करके, मिला करके, प्रयोग करके एक कलर टू देयर बिल्डिंग्स, उनके भवन में रंग दिया करते थे। द बिल्डिंग्स वर डेकोरेटेड विद फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। और जो भवन होते थे उनको डेकोरेटेड मीन्स सजाया जाता था या सुसज्जित किया जाता था फ्लोरल मीन्स फूलों से, एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मीन्स ज्यामितीय पैटर्न्स, तरीकों से या आकृतियों से इन्हें सुसज्जित किया जाता था। इन मैनी स्ट्रक्चर्स, अनेक संरचनाओं में टाइपिकल हिंदू मोटिव्स, मोटिव्स मीन्स नमूना, सच एज लोटस एंड स्वास्तिक आर यूज्ड। और अनेक संरचनाओं में हिंदू शैली के कई नमूने जैसे कि कमल और स्वास्तिक आदि का भी इनमें प्रयोग किया जाता था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।